How are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, परी यानी शानी लव स्टोरी के प्रेसमैन में आप लोगों ने देखा था कि परी जो होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सना की हेल्प लेती है और सना को बोलती है कि यार तुम्हें मेरा काम करना होगा। उस बॉडी बिल्डर की जो बेटी है वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, हमारी जूनियर है, उसका नाम है शायद माही। तुम्हें उसे दोस्ती करनी होगी और खुद से नहीं, उसे मजबूर करना होगा कि वो तुमसे दोस्ती करें। तो वो कहती है लेकिन क्यों? तो परी उसे सब कुछ बताती है, उसे कहती है उसके थ्रू हम उसके पापा की जो सच्चाई है ना वो पूरी दुनिया के सामने लाएंगे, इसलिए तुम्हें उसे दोस्ती करना ज़रूरी है। और याद रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसे किसी रीज़न के लिए दोस्ती किया। तो उसकी दोस्त सना जो होती है वो हाँ कर लेती है। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो यार कर लो यार, कितने गंदे हो, मतलब करते ही नहीं हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके चलो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि ईशानी जो होती है वो परी से मिलने उसके रूम में आती है और वहाँ के उसे पता चलता है कि परी ने अभी तक खाना नहीं खाया। तो ईशानी जो होती है वो किचन से खाना लेके आती है और परी को अपने हाथों से खिला रही होती है और परी जो होती है बहुत मज़े लेके खा रही होती है और ईशानी के हाथ पर जो है वो बाइट भी कर लेती है। ईशानी कहती है हाय जंगली बिल्ली काट दिया मुझे, तो परी हंसने लग जाती है। तो उसके बाद परी जो होती है जिस फिंगर पे उसने ईशानी मैम के काटा था वहाँ किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठे होते हैं। खाना खाने के बाद परी जो होती है ईशानी मैम से बहुत सारी बातें करती है और ईशानी भी बहुत खुश होती है। ईशानी जो होती है वो परी को किस करती है, परी कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं लेकिन आप अपना प्यार छुपाती हैं, आप अपनी फीलिंग्स को छुपाती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ये क्यों करती हैं। ईशानी कहती है कि कभी कभी प्यार को छुपाना ही ठीक होता है। परी कहती नहीं, प्यार तो जितना दिखाया जाए उतना कम है। पता है कुछ लोग कहते हैं कि प्यार को छुपाना चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, प्यार को दिखाना चाहिए। आपके पार्टनर को भी तो पता चले कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसको फील करवाना चाहिए कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो ईशानी उसकी बात को एग्री करती है और दोनों जो होते हैं दूसरे को लिप्स पर किस भी करते हैं। तभी ईशानी जो होती है वो पीछे हो जाती है और चेयर पर के बैठ जाती है। परी कहती है क्या हुआ? तो ईशानी कहती है मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आ गया है घर में, शायद तुम्हारी दीदी। परी कहती है हाँ हो सकता है। तभी परी की दीदी जो होती है वो रूम का दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि सामने ईशानी जो है वो चेयर पर बैठी है। तो उसे देख के थोड़ा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो परी कहती है कि वो यहाँ मुझे पूछने आई थी और शुक्र है कि वो आ गई, वरना मैंने तो भूखे मर जाना था। ये मेरा हाल चाल पूछने आई थी और आगे मैं भूखी बैठी थी तो इन्होंने बस मुझे खाना खिला दिया। तो ईशानी की परी की दीदी को ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ईशानी को बहुत गुस्से से देखती है और कहती खाना खिलाने आई थी ना, खिला दिया प्लीज़ यहाँ से जाए। तो परी अपनी दीदी का ये रूड बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शाउट करती है अपनी दीदी पे और कहती है ये कैसा तरीका है यार घर है मेहमानों से बात करने का। तो उसकी दीदी कहती है मुझे तो यही तरीका आता है। तो ईशानी कहती ठीक है आप दोनों लड़ो मत, वैसे भी मैं जा ही रही थी। तो ईशानी परी को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन परी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी दीदी पे बहुत शाउट करती है कि आपको तो आपके बॉयफ्रेंड से फुर्सत नहीं है, तो शुक्र है वो आ गए उन्होंने मुझे खाना खिला दिया और आप उनसे इस तरह बिहेव करेंगी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी दीदी कहती है कि हर टाइम क्या ईशानी मैम तुम्हें अपनी एज की लड़कियाँ नहीं मिलती दोस्ती करने के लिए? हाँ। तो परी कहती है कि अरे एज में क्या रखा है, वो समझदार है मैं चोर है, मुझे अच्छे से समझती हैं इसलिए मेरी उनसे इतनी ज़्यादा बनती है, काश आप भी मुझे अच्छे से समझती होती तो क्या ही बात ही है ना। तो उसकी दीदी कहती मुझे तुम्हें ना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो परी कहती पहले तो आप मेरे रूम से निकलो, जिस तरह से अपने ईशानी मैम की इंसल्ट की मेरा दिल ही नहीं करा मैं आपका फेस देखूँ। तो उसकी दीदी कहती हाँ मुझे भी कुछ शौक है तुम्हारे रूम में रहने का, मैं बस जा ही रही थी। तो परी की दीदी जो होती है वो भी उल्टा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब परी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और ईशानी भी तो वहाँ से जा चुकी होती है। परी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी दीदी ने ईशानी मैम की कितनी ज़्यादा इंसल्ट की। परी बहुत गिल्टी फील कर रही होती है, उसका मन कर रहा होता है कि वो ईशानी मैम के पास जाए लेकिन अभी भी उसके पाँव में बहुत पेन होता है। तो वो ईशानी मैम को कॉल करती है, उन्हें कहती है कि आई एम रियली सॉरी ईशानी, आप ठीक हो ना? मुझे पता है मेरी दीदी ने बहुत बुरा बिहेव किया, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ दीदी के लिए। तो ईशानी कहती इट्स ओके, हमारे रिश्ते में माफ़ी मांगने वाली कोई बात ही नहीं, तुम मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, तुम्हारी दीदी को भी, उनका इस तरह से रिएक्ट करना शायद ठीक भी था। तो परी कहती बिल्कुल ठीक नहीं था, आप ज़्यादा उनके साइड मत लो ओके, और ये तो आप हो जो आप उन्हें माफ़ कर देती हो, वैसे जैसे उन्होंने हरकत किया ना माफ़ी के काबिल नहीं थी वो। तो उसकी परी जो होती है वो ऐसे बोल रही होती है। तो ईशानी बोलती है अरे नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, वो बस तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं इसलिए उसने ऐसे बिहेव किया। ईशानी जो होती है वो परी को समझाती है और कहती है कि कोई ना मैं समझ सकती हूँ मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर दिया, ओके तुम रिलैक्स रहो यार, होता है मेरे साथ ऐसा।
उसके बाद ईशानी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें घर पहुंच के कॉल करती हूँ। ओके परी कहती है ओके अपना ख्याल रखना और प्लीज़ स्लो ड्राइव करना। ईशानी कहती है अरे ओके मामा स्लो ड्राइव करूँगी आप अपना ख्याल रखो। तो ईशानी ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और गहरी सांस लेती है। ईशानी परी को कहती तो है कि उसे हर्ट नहीं हुआ, लेकिन यार ईशानी भी तो आखिरकार एक इंसान ही तो है। पहले वो बॉडी बिल्डर, उन्हें उसके साथ बदतमीज़ी की और अब परी की दीदी ने ये सब बातें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। खैर वो गहरी सांस लेती है और खुद को समझाती है कि की लाइफ में ये सब होता है। और ऐसे सोच के वो फिर ड्राइव करती है और घर जाने के लिए निकलती है। और परी जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो भी ईशानी की एक परेशानी दूर कर नहीं पा रही होती और दूसरी बढ़ गई होती है। इसलिए परी सोचती है कि अब मुझे बॉडी बिल्डर से तो बदला लेना ही है, लेकिन अपनी दीदी को भी सबक सिखाना है, कुछ ऐसा करना होगा कि दीदी जो है वो खुद ही ईशानी मैम को पसंद करने लग जाए। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ? तो परी ये सब सोच रही होती है और फिर उसे याद आता है सना की। वो सना को मैसेज करती है, सना को कहती है कि कल के लिए तुम तैयार हो? वो कहती है हाँ तैयार हो, क्यों क्या हुआ? तो परी कहती है मैं कल कॉलेज जा रही हूँ। तो सना कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कैसे आ सकती हो, अपनी हालत देखो, आई थिंक तुम्हें अभी कुछ टाइम रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है आई नो बट तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी ये सब? तो सना कहती है अरे यार मैनेज हो चुका है ऑलरेडी, उसने मुझसे दोस्ती कर ली है और बाकी भी सब हो जाएगा, अब तुम रिलैक्स रहो। ओके तो परी कहती है आर यू श्योर तुम मैनेज कर लोगे? वो कहती है 100%, अब तुम अपना ख्याल रखो। तो परी उसे कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम उसे ज़रा स्टॉक करो। कहती स्टॉक कैसे? वो कहती अरे फेसबुक इंस्टा कुछ तो होगा ना उसका सर्च करो, लेकिन किसी फेक आईडी से उसे स्टॉक करो, रिक्वेस्ट भेजो, उसके बारे में और जानो, सब पता करो उसे क्या पसंद है क्या नहीं। तो आगे से सना कहती लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत है यार? परी कहती है उसका अच्छा दोस्त बनना है, उसका ट्रस्ट गेन करना है, तो तुम्हें ये सब तो करना ही होगा। सना कहती यार गलत उसका पापा है, वो अच्छी लड़की है यार, उसके साथ ये झूठी दोस्ती मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहती यार मैं तुम्हें ज़रूरी ये थोड़ी कह रही झूठी दोस्ती करो, तुम उससे रियल वाली दोस्ती भी तो कर सकती हो। अभी तुमने बोला ना कि वो अच्छी है, बस उसका बाप ही कर रहा था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसके बाप को सबक सिखाना चाहती हूँ। सना को कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन वो परी की बात मान जाती है, कहती ठीक है मैं करती हूँ। तो उसके बाद सना जो होती है वो फिर स्टॉक करने लग जाती है माही को। वो उसके पहले फेसबुक पे जाती है, फेक आईडी बना के वहाँ रिक्वेस्ट भेजती है, उसकी पिक्स वगैरह देखती है, उसकी फेवरेट प्लेसेस देखती है, वो जो पोइट्री डालती है वो सब पढ़ती है, उसको अच्छे से जो है वो जज कर पाती है और कहती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके साथ ये सब करने में। लेकिन फिर कहती है कि इसके बाप को तो सबक सिखाना है, तो शायद ये करना ही होगा। तो ऐसे क्या है कि वो फिर उसके इंस्टाग्राम आईडी खोलती है, वहाँ पे भी उसको रिक्वेस्ट भेजती है। और माही जो होती है वो बगैर कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लेती है। और ये देख के सना कहती कैसी लड़की है यार, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे थोड़ी किसी स्ट्रेंजर्स की रिक्वेस्ट उठाते हैं, ये बिना सच में बच्ची है यार। तो सना को माही पे थोड़ा तरस आ रहा होता है, उसके लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर माही को ये सब पता चलेगा कि दोस्ती सब फेक है तो उसे बहुत हर्ट होगा। लेकिन फिर भी वो ये कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए और कहती है कि भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं उस बच्ची का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। सना जो है वो माही को बच्ची कह दिया क्योंकि वो उसकी जूनियर होती है। खैर उसके बारे में सब कुछ जाने के बाद सना जो होती है वो परी को मैसेज करती है, कहती है कि मुझे उसके बारे में सब पता चल गया, जितना उसने सोशल मीडिया पर अपडेट किया उतना तो मैं उसे जान चुकी हूँ। तो ये सुन के परी कहती गुड, अब बस तुम्हें कल के लिए तैयार होना है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? सना कहती आई होप सो कि मुझे पता है, ठीक है फिर मैं फ्री होकर तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा स्टडी करना है। वो कहती है ओके। तो उसके बाद परी जो होती है वो कहती है कि अगर मुझे दीदू और ईशानी मैम की दोस्ती करवानी होगी, इसके लिए मुझे पहले ईशानी मैम को घर लाना होगा, इसके लिए मुझे पहले दीदी के साथ साथ मम्मा को भी मनाना होगा, लेकिन कैसे, यही तो सबसे मुश्किल काम है। तो तभी परी की मम्मा जो होती है वो घर आ जाती हैं, और वो घर आते ही सीधा परी के पास आती है क्योंकि परी की तबीयत ठीक नहीं होती, उसके पास बैठती हैं, उसे बातचीत करती हैं, उसके लिए कुछ खाने को लेकर आती है, उसे वो खिलाती हैं और फिर कहती है कि बेटा तुमने खाना खाया था क्या? परी कहती यही अच्छा आइडिया है। तो वो कहती हाँ मम्मा वो ईशानी मैम ने मुझे खाना खिलाया था। तो उसकी मॉम हैरान होकर कहती ईशानी मैम वो कब आई थी हमारे घर और तुम्हारी दीदी ने क्यों नहीं खिलाया? वो कहती अरे वो दीदी नहा रही थी ना, तो ऊपर से ईशानी मैम आ गई, मुझे तब बहुत भूख लगी थी, मैं तो किचन में चल के जा नहीं सकती थी, तो मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे खाना ला दे किचन से, उन्होंने ला भी दिया।
तो उसकी मम्मा कहती, वैसे ईशानी मैम क्या करने आई थी? वो कहती, अरे वो मेरा हाल चाल पूछने आई थी, देखने आई थी, इतने टाइम से मैं जिम जो नहीं जा रही। तो उसकी मम्मा कहती, वैसे ईशानी लड़की बहुत अच्छी है। परी कहती, है ना, मैं सोच रही थी कि मैं उनसे ना थोड़ा क्लासेस वगैरह ले लूँ, आई मीन मैं इतने टाइम से कॉलेज नहीं जा पा रही, कुछ पढ़ नहीं पा रही, कितना नुकसान हो गया है ना। तो कहती, लेकिन वो तो जिम ट्रेनर है ना, वो तुम्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, तुम दीदी से पढ़ लो। वो कहती, अरे नहीं, वो ट्यूशन ट्यूटर भी रह चुकी हैं, वो पहले भी बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें प्रैक्टिस भी है और वो बहुत लाइक स्टूडेंट रही हैं अपने टाइम में भी, आई गेस वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी। वो उसके पापा कहते, लेकिन मेरी कहती, क्या लेकिन मम्मा, इस टाइम मुझे ज़रूरत है एक ट्यूटर की, आपको पता है कॉलेज भी नहीं जा पा रही। तो उसकी मम्मा कहती, ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम ईशानी से मैम से बात कर लो और उनसे ज़रा फीस का पूछ लेना। तो परी कहती, अरे हाँ वो मैं कर लूँगी, आप टेंशन ना लें। तो वो अपनी मम्मा को तो मना लेती है और बहुत खुश होती है, लेकिन अब टेंशन ये होती है कि इसकी दीदी को जैसे ही बात पता चलेगा वो कोई रोलर डालेगी, इसलिए उसे कुछ ऐसे करना होता है कि उसकी दीदी कुछ बोल ना पाए। इसलिए वो अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा, वो दीदी ने मैम से बात कर ली थी, आई मीन जब दीदी नहा के आई थी ना, उन्होंने मैम से बात कर ली थी। तो तभी वहाँ पे दीदी आ जाती है और परी कहती है कि आपने ईशानी मैम से बात की थी ना आज दिन में? तो वो डर जाती है, पता नहीं किस बारे में। तो वो कहती है, हाँ हाँ मम्मा मैंने की थी। तो उसकी मम्मा कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर फ्रेश होकर आती हूँ। तो उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद ईशानी के बारे में सोच रही होती है परी। तो तभी उसकी दीदी कहती है, एक सेकेंड, मैंने क्या बात की थी ईशानी से, मॉम किस बारे में बात करी थी? परी कहती है, यही कि ईशानी मैम मुझे ट्यूशन पढ़ाने आएंगी और आपने उनसे ट्यूशन की बात किया। उसकी दीदी कहती, क्या बकवास है, मैंने उससे कोई बात नहीं की और वो लड़की हमारे घर अब दोबारा नहीं आएगी, समझे तुम? तो परी कहती, अभी आपने मॉम के सामने हामी भरी है? तो कहती, मैं अभी मम्मा को मना करके आती हूँ। परी कहती, ठीक है मना करके आ जाना और फिर उन्हें यह भी बता देना कि ईशानी मैम ने मुझे आज खाना क्यों खिलाया था, और यह बता देना कि आप कहाँ गई हुई थी। तो उसकी दीदी चुप हो जाती है, कहती, तुम बहुत बड़ी वाली ब्लैकमेल लो, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो परी कहती, ठीक है मैं तैयार हूँ। तो उसकी दीदी अब बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए चुपचाप वहाँ से चल जाती है। लेकिन वो कहाँ हार मानने वाली होती है, अगर परी शेर नहीं होती है तो उसकी दीदी वो पर शेर होती है। तो वो भी कुछ सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही होगा, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्लैकमेल कर रही है। लवी परी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो अभी ईशानी मैम को बुला ले। वो ईशानी मैम को कॉल करती है और कहती है, आप घर पहुँच गई? ईशानी कहती है, हाँ मैं पहुँच गई, क्यों क्या हुआ? परी कहती, एक गुड न्यूज़ है। ईशानी कहती, वाह चलो शुक्र है, आज के दिन में कोई तो गुड न्यूज़ मिली, बताओ वैसे गुड न्यूज़ है क्या? परी कहती, गुड न्यूज़ ये है कि आज से आप रोज़ मेरे घर आ सकते हैं। ईशानी कहती, वो कैसे? परी कहती, क्योंकि आप मुझे ट्यूशन पढ़ा रही हैं। तो उसकी ईशानी सुनती है और कहती है, और तुम्हारी दीदी भी कहती है, अरे उन्होंने मना लिया है। यानी कहती, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ यार, मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊँगी तुम्हें? परी कहती, अरे मैं इतनी नालायक नहीं हूँ, मैं खुद पढ़ लूँगी, बस आप होगी तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँगी। ईशानी कहती, मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही। तो कहती, प्लीज़ ना यार, आप रोज़ मेरे पास आ सकेगी, हम साथ होंगे, इतना मज़ा आएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इतनी मुश्किल से तो मम्मा को मनाया, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। ईशानी कहती, लेकिन तुमने पढ़ना ही नहीं है मेरे पास, मुझे पता है ना। परी कहती, अरे पढ़ूंगी ना पक्का। ईशानी कहती, ठीक है, अगर तुम ना पढ़ रही होगी तो फिर मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे घर भी आना छोड़ दूंगी। परी कहती, ओके ओके डन, तो आ जाओ अभी। ईशानी कहती, अभी आ जाओ, पागल हो, शाम के 6 बज रहे, कल आऊँगी। परी कहती, प्लीज़ ना। ईशानी कहती, लेकिन परी बहुत ज़िद करती है और सच कहते तो ईशानी का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है ना उसे मिलने का, इसलिए वो कहती, अच्छा बाबा ठीक है आ रही हूँ। तो परी कहती, ठीक है जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ईशानी जो होती है कॉल कट करती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, अच्छे अच्छे से वो रेडी होती है, इतना अच्छे वाला परफ्यूम लगाती है और इतना ज़्यादा लगा देती है कि उसकी दादो कहती, ओए होए इतना ज़्यादा, मेरा दम घोटने का इरादा है क्या, कहाँ जा रही है इतना बंडन के? ईशानी कहती, परी से मिलने जा रही हूँ। उसकी दादो कहती, पता ही था एक परी है तुम्हारी लाइफ में, उसके बारे में सोच के तो तुम्हारे फेस पर खुशी आ जाती है। तो ईशानी कहती, हाँ ये तो है। तो उसकी दादो कहती है, परी का पाँव कैसा है? ईशानी कहती, हाँ ठीक है। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो जल्दी से अपनी कार कीज लेती है और गाड़ी में निकाल के फ़ौरन से चली जाती है परी के घर। परी के घर जाने के बाद वो बाहर ही खड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, कहती है कि पता नहीं मुझे अंदर जाना भी चाहिए ही नहीं। तो ऐसे सोच रही होती है कि तभी दरवाज़ा खुलता घर का, ईशानी कहती, लो मैंने तो बेल बजाया नहीं। तो देखती है सामने से परी की दीदी होती है और वो कहती है, आप
दोबारा यहाँ क्या करी हो, कुछ भूल गई थी क्या? तो वो देखती है कि शानी के हाथ में काफ़ी सारे फ्रूट्स के शॉपर वगैरह ना, तो वो कहती है ये सब क्या है? वो कहती है वो मैं परी को पढ़ाने आई हूँ। कहती है पढ़ाने आते हो तो बुक्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, फ्रूट्स नहीं। शानी कहती ये वो मैं शानी परी के लिए लेके आई थी ना, उसको वीकनेस है ना बहुत। तो उसकी दीदी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर चल जाती है। ईशानी कहती लो हेलो हाय, कुछ भी नहीं बोला, इन्वेस्टिगेशन करके चली गई। तो उसके बाद ईशानी जो होती है खैर चुप हो जाती है, और वो भी फिर अंदर चल जाती है। अंदर जाके देखती है कि परी की मम्मा जो होती है वो सामने से आ रही होती है परी के ही रूम से निकल के। तो वो ईशानी को देख के कहती है अरे बेटा तुम इस टाइम? तो वो कहती है नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? वो कहती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है वो परी की मुझे कॉल आई थी, उसने बोला कि मैं अभी आ जाऊँ उसे पढ़ाने के लिए ना। वो अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, रो रही थी कि उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया ये वो, तो इसलिए मैं आ गई। उसकी मम्मा कहती है हाँ उसने मुझे बोला था कुछ ज़्यादा ही सीरियस है स्टडी को लेकर ना। ठीक है बेटा तुम ऊपर रूम में जाओ। तो ईशानी जो होती है वो कहती है ओके। तो ईशानी कहती है अरे ये मैं परी के लिए लेके आई थी। तो सारे फ्रूट्स हैं परी की मोम को दे देती है। वो कहती है अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? ईशानी कहती है कि अरे ज़रूरत थी परी को इन सब की ना। तो वो कहती है ठीक है फिर मैं परी के रूम में चलती हूँ। तो ईशानी है कि परी के रूम में चली जाती है। परी तो ईशानी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुशी के मारे उछलने लग जाती है, कहती है अरे आप आ गई। तो ईशानी कहती है अरे आराम से आराम से आराम से, ज़्यादा मत उछलो तुम्हारे पाँव में लग जाएगी। तो मतलब परी जो होती है ऐसे पाँव पर नहीं खड़ी होती, घुटने के बल ऐसे बैठी होती है और ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथ ऊपर कर रही होती है। तो परी ऐसे ही ईशानी को देखती होती कि इधर आओ ना जल्दी से, हक कर लो, इतना मिस किया मैंने आपको। तो ईशानी भी फ़ौरन से परी को हक कर लेती है। तो दोनों एक दूसरे को हक करके ऐसे ही बैठे रहते हैं काफ़ी देर। और फिर परी ऐसे ही पीछे होती है और ईशानी के फेस को टच करती है, कहती हाँ ये आपका प्यारा सा चेहरा। तरस कहती से देखने के लिए ईशानी कहती अच्छा नौटंकी, अभी कुछ घंटे पहले तो मैं यहाँ से गई हूँ। परी कहती अरे आपको क्या पता, अब तो एक पल भी मुझे सतिया के बराबर लगती है। तो ईशानी हंसती है कहती हाँ मेरा फिल्मी बच्चा, जैसे बोल के उसके चीक्स खेलती है। परी कहती अरे यार बच्चा बच्चा मत बोलो यार। तो ईशानी हंसने लग जाती है। तो उसके बाद परी कहती है कि मम्मा से मिली? तो ईशानी बोलती है हाँ मिली, तुमने उन्हें स्टडी का बहाना बना के मुझे यहाँ बुलाया ना बेटा, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, मैं तुम्हारी अच्छी सी क्लास लगाऊंगी समझी, पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़। चलो बताओ तुम्हारे बैग कहाँ है, तुम्हारी बुक्स निकालो। मैं परी कहती अरे यार आते ही पढ़ाई मैं नहीं। तो ईशानी कहते हेलो मैं पढ़ाने के लिए आया ना तो पढ़ाऊंगी सही। परी कहती हाँ पढ़ाओ लेकिन प्यार की पाठशाला है ना। तो ईशानी हंसती है कहती मार की पाठशाला ना सीख लेना मुझे आई बड़ी, बताओ बैग कहाँ है। तो परी कहती अब सच में पढ़ाओगी? ईशानी कहती जी जी सच में पढ़ाऊंगी। परी कहती देखो प्लीज़ ना कल स्टडी स्टार्ट करेंगे ना। तो ऐसे बोल के ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। तो ईशानी उसके हाथ पर ऐसे किस करती है और कहती स्टडी तो हम आज से ही करेंगे, अब चुपचाप बताओ तुम्हारा बैग कहाँ है। तो परी ऐसे कबड़ की तरफ इशारा करती है। तो ईशानी कबड़ से उसका बैग निकालती है और कहती तुम्हारा बैग तो इतना भारी है, पढ़ती भी हो कि नहीं? परी कहती क्या यार सच में पढ़ाओगी? ईशानी कहती जी यार सच में पढ़ाऊँगी। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो बैग से बुक्स वगैरह निकालती है और परी को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो परी जो होती है वो ऐसे ईशानी को देख रही होती है, ईशानी जो होती है वही बुक पढ़ रही होती है। अब बस परी तो उसको देखने में बिजी होती है। तो ईशानी ऐसे बुक साइड पर रखती है, कहती मैडम ये मुझे नहीं तुम्हें याद करना है तो तुम भी थोड़ा पढ़ोगी। परी कहती अरे मुझे जो याद करना है मैं तो उसी को देख रही हूँ ना। ईशानी कहती देखो मैंने पहले ही बोला था अगर तुम मुझसे नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाने नहीं आऊँगी। परी कहती अरे नहीं 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 मैं पढ़ रही हूँ ना। तो परी ऐसे बोल के अपनी बुक लेती है और पढ़ने लगती है। तो ईशानी उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। तो तभी वहाँ पे परी की मम्मा आ जाती है और वो देखती है कि परी पढ़ रही है और ईशानी भी उसे अच्छे से पढ़ा रही है। तो ये देख के कहती वाह मेरी बेटी कितना दिल लगा के पढ़ रही है ना। तो परी कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा दिल लगा के पढ़ रही हूँ। तो ऐसे ईशानी का देख के बोलती है। तो उसके बाद परी की मम जो होती है ईशानी और परी के लिए कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स वगैरह जूसेस ये सब लेके आई थी, तो वो ही नहीं देती है। तो ईशानी कहती है अरे इन सब की क्या ज़रूरत थी? तो परी कहती आपको ज़रूरत नहीं होगी, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उसकी मम्मा हंसती है कहती है ऐसे ही है, पढ़ते टाइम इसे हर एक चीज़ खाने को चाहिए होती है। तो ऐसे बोल के परी के सर पे हाथ फेरती है कहती बेटा अच्छे से पढ़ना। और ईशानी को देख के कहती है कि इस पे ज़रा रहम ना खाना, पड़ी नौटंकी है ये पढ़ाई को लेके अच्छे से पढ़ाना। तो ईशानी कहती है अरे आप टेंशन क्यों लेती है मैं हूँ ना। तो उसके बाद आंटी जो होती है वहाँ से चली जाती है और परी जो होती है वो फिर ऐसे ही खाने को देख रही होती है। तो ईशानी हंसती है कहती अच्छा बाबा खा लो तुम। तो ईशानी कहती परी कहती है थैंक यू। तो ये परी जो होती है वो खाने लग जाती है और ईशानी ऐसे हंसती है उसे खाते हुए देख के। परी बहुत ही ज़्यादा मज़े ले लेके खा रही होती है।
और उसका मुंह फुल भरा होता है, मतलब पहला चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरे मुंह में ठूस लेती है। उसके बाद ईशानी प्लेट साइड पे करती है, कहती है अब क्या सारा टाइम खाती रहोगी, चलो कुछ पढ़ भी लो। पर ये कहती इतना सारा पड़ा है, अब थोड़ा सा तो खाने दो। ईशानी कहती हाँ कितना सारा पड़ा है बच्चा, दिखा ना ज़रा, एक पेज पर अभी तक तुमने पूरा नहीं पढ़ा। नौटंकी रखो इसे साइड पर, ऐसे बोल के सारे स्नैक्स वगैरह उससे ले लेती है, उसे साइड टेबल पर रखती है। पर ये कहती यार आप तो बहुत ही ज़्यादा सालिम हो। ईशानी कहती जी मेरी जान मैं ऐसे ही हूँ, पढ़ो। पर ये कहती हाय जान, उफ़ कसम से जान ले लेती हो जब मुझे जान कहती हो। ईशानी कहती सॉरी गलती होगी, बोलना ही नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, अभी इस टाइम कोई तुम्हारी जान मान रही हूँ, तो चुपचाप पढ़ो वरना मैं थप्पड़ पड़ सकता है। तो परी बेचारी मुँह फुला के बैठ जाती हूँ, पढ़ रही हूँ मैं। तो परी ऐसे पढ़ रही होती है, परी जब पढ़ती है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है यार, मतलब उसके बाल ऐसे खुले हुए आ रहे होते हैं ना सामने की तरफ, तो ऐसे अपने जुल्फों में ऐसे पैर फंसा रही होती है, ऐसे उसके गोल गोल घुमा रही होती है और ऐसे पढ़ रही होती है, और एक पेंसिल उसने मुंह में घुसाई होती है, उसका स्टाइल होता है याद करने का, तो ऐसे वो बैठ के याद कर रही होती है। तो ईशानियाँ देख के बहुत हंसती हैं। परी कहती क्या हुआ मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रही। ईशानी कहती अरे मैंने कब कहा ना पढ़ो, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ ना पढ़ो पढ़ो। परी कहती ऐसे घूरोगी तो कैसे पढ़ूंगी मैम, ऐसे देखोगी तो मुझे प्यार आ जाएगा ना। हाय तो ऐसे परी बुक साइड पर रख के ईशानी की आंखों में आंखें डाल के हंसते हुए बोलती है। तो ईशानी ऐसे परी की फरहट पर किस करती है, कहती है बस अब पढ़ लो। परी कहती है हाय अब तो बिल्कुल ही पढ़ा जाएगा ना, अच्छा एक किस और दे दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चीक्स पे हाथ रखती है। तो ईशानी कहती लेकिन पढ़ाई। परी कहती दो ना फिर पढ़ूंगी पक्का। ईशानी कहती पक्का। परी कहती हाँ पढ़ूंगी। तो उसके बाद ईशानी जो होती है ऐसे परी के जो है वो चीक्स पे करके किस करती है। तो परी कहती अच्छा देखो इस चीक्स पे क्या, इस पे नहीं किया, ये चीक्स बुरा मान गया तो इस पे भी कर देना। ईशानी कहती अल्लाह तुम भी ना करती हो। तो उसके बाद ईशानी जो होती है इसके दूसरे चीक्स पे भी ऐसे करके किस करती है। परी कहती अरे देखो मेरे लिप बेचारे रो रहे हैं बुरा मान रहे हैं, आपने इन्हें तो भूल ही गई, इन पे भी कर दो ना। ईशानी कहती अब थप्पड़ खाओगी चुपचाप पढ़ाई करो। परी कहती प्लीज़। ईशानी कहती लेकिन पढ़ लो ना। परी कहती अरे पक्का वाला प्रॉमिस पक्का मम्मी कसम फिर पढ़ूंगी, एक दे दो ना पप्पी प्लीज़। तो ईशानी जो होती है वो फिर परी के लिप्स पे किस करती है और परी भी उसे किस बैक कर रही होती है। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को दो मिनट तक किस कर रहे होते हैं। फिर ईशानी पीछे हो जाती है, कहती अब चुपचाप पढ़ो। परी कहती हाय अब तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का यार। ईशानी कहती कसम खाई है तुमने मम्मी के, पढ़ो। परी कहती ये तो अफसोस है क्यों खाई यार। ईशानी कहती अगर तुमने यही हरकत करनी है ना, पढ़नी नहीं आ तो पक्का मैं तुम्हें कल से पढ़ाने नहीं आऊँगी। परी कहती नहीं नहीं मैं पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद परी जो होती है वो पढ़ने लग जाती है मस्ती मजाक में। खैर परी जो होती है वो पढ़ ही लेती है। यानी 6 बजे आई थी उसे पढ़ाने, अब रात के 9 बज चुके होते हैं, अभी तक वही होती है। पढ़ने के साथ साथ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं और परी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और तभी परी की दीदी जो होती है वो रूम में आती है, देखती है कि वो ईशानी अभी भी परी को पढ़ा रही है, उसका टेस्ट ले रही है। और ये देख के वो कहती है कि पढ़ रही है परी, तो वो कहती तो वो कहती ठीक है अच्छी बात है आप इसे पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता अब आपको घर जाना चाहिए, आई मीन 9 बज गए हैं। ईशानी कहती क्या इतना लेट हो गया, शिट मैंने तो देखा ही नहीं टाइम को, ठीक है परी मैं कल आऊँगी, और ये जो तुम्हारा अभी टेस्ट रह गया ना तुमसे कल ला के लूँगी, और हाँ मैंने बोला था अगर तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हुई तो मैं तुम्हें पढ़ाने बिल्कुल नहीं आने वाली। परी कहती नहीं 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 मैं पक्का अच्छे से पढ़ूँगी आप प्लीज़ आना कल। तो ईशानी कहती ओके। तो उसके बाद परी कहती अरे हक तो करके जाओ। तो ईशानी ऐसे परी की दीदी को देखती है और कहती है कि टीचर से हक लोगी शर्म नहीं आती तुम्हें, तो ऐसे बोल के खड़ूस खड़ूस वाला फेस बना के वहाँ से चली जाती है। तो परी इस पर भी थोड़ा स्माइल करती है। उसके बाद परी की दीदी कहती है कि चली गई है अब घूरती रहोगी उसे जाते हुए, बुक्स उठाओ अपना मुझे सोना है यहाँ पे। तो परी कहती है हेलो यहाँ के सोना है जाओ अपने रूम में सो। कहती है कि मम्मा ने बोला है कि मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊँ, तो मतलब सो जाओ चुपचाप तुम भी। परी का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, खैर वो बुक्स वगैरह साइड पे रखती है। तो तभी ईशानी का मैसेज आता है, ईशानी घर पहुँच चुकी होती है ना, उसका मैसेज आता है कि क्या तुमने टेस्ट याद कर लिया आप। परी कहती है नहीं। तो ईशानी कहती देखो मैंने बोला था अगर तुमने सही से पढ़ाई नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगी। परी कहती नहीं 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 मैं कर लूँगी पक्का। अच्छा अब बहुत लेट हो गया आप सो जाओ। ईशानी कहती नहीं मुझे अभी नींद नहीं आ रही। परी कहती आपने डिनर कर लिया। ईशानी कहती हाँ तो आपने किया। ईशानी ऐसे पूछ दिया। परी कहती हाँ मैंने भी किया। तो ये दोनों लेट नाइट जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना टाइपिंग पे। तो तभी ईशानी कहती आज मुझे कॉल नहीं करूँगी क्या। परी कहती कॉल तो करूँगी लेकिन बोल नहीं पाऊँगी। ईशानी कहती वो क्यों। परी कहती वो दीदी है ना साथ में सो रही है।
तो कहती अरे वो अपने रूम में क्यों नहीं सो रही। तो कहती यार पता नहीं बस इधर ही सो गई है। तो ईशानी कहती चलो कोई ना तुम बात मत करना बस कॉल पे रख लो ना ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। परी कहती ओह अच्छा तब किसी को आदत हो गई है मेरे साथ कॉल पे सोने की। ईशानी कहती सच कहूँ तो हाँ हो गई है। तो परी की स्माइली इमोजी भेजती है और कहती है मुझे भी तो आदत है ना आपके साथ सोने की। तो उसके बाद परी जो होती है हैंडफुल लगाती है और ईशानी को कॉल कर देती है। तो जैसे ही कॉल अटेंड होती है ईशानी कहती हेलो मेरी जान कैसी हो तुम। तो तब बेचारी परी तो कुछ बोल नहीं पा रही होती और ईशानी इस बात का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ हाय काश तुम मेरे पास होती हो तो मैं किस करती। परी ऐसे करती तो ईशानी हंसती है कहती अच्छा अच्छा तो मैं तंग कर रही हूँ ठीक है ना मेरा कोई ऐसा वैसा दिल नहीं कर रहा ओके। तो परी ऐसे फिर से खांसी है तो ईशानी कहती अच्छा ना मतलब कर रहा था जब वापस आ रहे थे ना तो मैं हक करके पाए करने को दिल कर रहा था बट मैं दीदी थी ना इसीलिए। तो परी फिर से खांसी है ईशानी कहती हाँ पता है मुझे तुम्हें हक कर लेना चाहिए था पर कोई ना कल आऊँगी ना फिर कर लेना और हाँ अगर तुमने टेस्ट याद ना किया हो ना तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं है ओके अब सो जाओ चुपचाप। तो परी फिर से खांसती है तो ईशानी कहती इतना खांसना बंद करो तुम्हारी दीदी उठ जाएगी ओके फिर जवाब देना इतना क्यों खांस रही हो। तो परी ऐसे लड़के से स्माइल करती है ईशानी कहती हंसो भी मत सुन लेगी तो पिटाई करेगी कि क्यों हंस रही हो। तो उसके बाद ईशानी कहता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ मुझे नींद आ रही है मैं सो रही हूँ ओके गुड नाइट तुम भी सो जाओ। तो ईशानी ऐसे कह के सो जाती है और सोने के बाद ईशानी के सांसें जो है वो परी को साफ सुनाई दे रही होती है। परी को बहुत सुकून मिल रहा होता है और तभी परी को ईशानी की वो बात याद आती है कि अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की तुम्हारा टेस्ट कल का अच्छा नहीं हुआ तो मैं फिर तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊँगी। और ये सोच के परी जो है उठ के बैठ जाती है। उसे ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि ईशानी उसे पढ़ाने ना आए वो चाहती है कि ईशानी उसे रोज़ पढ़ाने आए इस तरह से वो ईशानी के साथ कुछ टाइम जो स्पेंड कर सकती है इसलिए वो उठ जाती है और ऐसे ही हल्के से बेड से नीचे उठती है अपनी बुक्स वगैरह उठाती है और सोफे पे होकर बैठ जाती है और पढ़ रही होती है ना मोबाइल की फ्लैश ना खोल के कानों में उसकी हैंड फ्री होती है ईशानी की सांसें सुनते हुए वो बहुत अच्छे से पढ़ पा रही होती है। ईशानी को पढ़ना परी को इतना ज़्यादा पढ़ना तो पसंद नहीं होता लेकिन ईशानी की वजह से वो जो है दिल लगा के पढ़ रही होती है। तो तभी परी की दीदी की जो है वो आँख खुल जाती है क्योंकि रूम में थोड़ी लाइट होती है वो उड़ती है देखती है कि बेड पे परी नहीं है तो थोड़ा घबरा जाती है इधर उधर देखती है कि सामने परी सोफे पे बैठी है और मोबाइल की लाइट में वो पढ़ रही है। तो वो कहती है तुम इतनी रात को क्यों पढ़ रही हो सुबह पढ़ लेना और सो जाओ। तो वो कहती नहीं ईशानी मैम ने बोला अगर मेरा टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो वो मुझे फिर पढ़ाने नहीं आएंगे और मुझे उन्हीं से ही पढ़ना है इसलिए मुझे पढ़ने दो डिस्टर्ब मत करो जाओ सो जाओ। तो उसकी दीदी ये सोच के थोड़ा हैरान तो होती है लेकिन फिर वो खुशी होती है कि चलो परी दिल लगा के पढ़ तो रही है वैसे बड़ी पढ़ाई में अच्छी होती है लाइक फाइक बहुत होती है लेकिन थोड़ी लेजी होती है इतना खास पढ़ती ही नहीं है तो इसलिए उसकी दीदी खुश होती है कि चलो वो पढ़ तो रही है। और वो दोबारा से सो जाती है और उसकी दीदी की फिर आँख खुलती है 2-3 घंटे के बाद ना उसको प्यास लगती है पानी पीने के लिए उठती है पानी पी रही होती है कि देखती है अभी भी बेड पे नहीं है परी। तो वो देखती है कि वो अभी भी सोफे पे बैठ के पढ़ रही है तो उसकी दीदी कहती है बस परी बहुत हो गया अभी सो जाओ बाकी जो पढ़ना होगा वो सुबह पढ़ लेना। परी कहती हाँ बस थोड़ा सा ही रह गया यार लास्ट चैप्टर है इसको कवर कर लो फिर सोऊंगी। उसकी दीदी कहती बस करो सो जाओ। परी कहती अरे प्लीज़ सो जाओ ना बस 5 मिनट और। उसकी दीदी कहती है ओके सिर्फ 5 मिनट। तो उसकी दीदी ऐसे कह के सो जाती है और परी जो होती है वो पढ़ रही होती है। खैर उसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है उसने अपने सारे टेस्ट जो हैं वो याद कर लिए होते हैं जो ईशानी उसे देखे गए थी। उसके बाद परी जो होती है वो सुकून का सांस लेती है बेड से के पास जाती है बेड पे जाके लेट जाती है कहती आह आज मुझे नींद आएगी सुकून की इतनी मेहनत जो की है। ऐसे कह के सोती है और कहती है कि ईशानी मैम आप मुझे जितना मर्जी टफ टेस्ट दे दो लेकिन मैं कभी फेल नहीं होंगी क्योंकि मैं आपको खो नहीं सकती। तो ऐसे बोल के खुश होती है कि कल का टेस्ट मेरा बहुत अच्छा होगा ईशानी मैम मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी और मुझे रोज़ पढ़ाने आएंगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो कमेंट कर लो शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।